आपका क्वेश्चन है, आई परचेज अ हेयर ड्रायर फॉर ₹5,400 इंक्लूडिंग 8% वैट, फाइंड द प्राइस बिफोर द वैट वॉज एडेड। तो आपको क्या लेना है, सबसे पहले आपका मार्क प्राइस क्या है, मार्क प्राइस जो उसके अंदर लिस्टेड है, दैट इज नथिंग बट योर ₹X। ठीक है, तो ये आपका लेट हो जाएगा। अब इसके ऊपर उसने 8% टैक्स दिया है, तो नाउ टैक्स इज 8%, तो नेक्स्ट निकालना है आपको टैक्स अमाउंट, कितना अमाउंट उसने पे किया है ऑन टैक्स, दैट इज 8% ऑफ एक्स। दिस इज इक्वल टू 8/100 इंटू एक्स, दिस इज इक्वल टू 8x/100। तो इतना टैक्स अमाउंट दे दिया। ठीक है, तो अब आपका बिल अमाउंट कितना हो गया, बिल अमाउंट, तो नाउ वी कैन से बिल अमाउंट हमारा कितना हुआ, एक्स प्लस टैक्स, तो ये हो गया एक्स प्लस 8x/100। दिस इज इक्वल टू, दे हैव गिवन दैट ही हैज पेड 5,400, तो यहां पर आ जाएगा 5,400। दिस इज इक्वल टू दिस, यहां पर एलसीएम ले लो, तो एलसीएम इज 100, तो ये आपका आ गया 100x+8x, दैट इज इक्वल टू 5,400। तो 100x+8x इज 108x बाई 100 इज इक्वल टू 5,400, है ना। अब देखो आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 108x इज इक्वल टू 5,400 इंटू 100, तो x इज इक्वल टू 5,400 इंटू 100 बाई 108, तो 54 का डबल इज 108, तो ये कट हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा 100, यहां पर आ जाएगा 2। अब इसको कट कर दो, ये आ जाएगा 50, तो 50 इंटू 100 इज 5,000, तो x इज 5,000, तो x हमारा क्या था, मार्क प्राइस, तो आपका मार्क प्राइस इज इक्वल टू ₹5,000। ठीक है, तो आपको इस तरह से इसको करना है।